आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने का कानून पास किया नारी शक्ति बंधन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा नई ऊर्जा देगा कुछ ही दिनों पहले ही जी ट्वेंटी के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस से काफी कुछ सीख सकेंगे